तो हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, आशा करते हैं कि आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कुछ नया चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रिलेटर। अब हमें सबसे पहले तो एक ही सवाल होता है मैक्स सीखने के से पहले कि आखिर मैक्स काम किधर आता है और इसकी जरूरत क्या है। तो क्वाड्रिलेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमारी डेली लाइफ ही इसके ऊपर है। हम चाहे खाना खाने बैठे तो टेबल है वो क्वाड्रिलेटर होता है, चाहे आप किताब पढ़ने बैठे वो भी तो क्वाड्रिलेटर है, हाथ में मोबाइल लीजिए वो भी तो क्वाड्रिलेटर है, आप बोर्ड ले लीजिए वो भी क्वाड्रिलेटर है। तो अभी तक हम क्या चीज पढ़ चुके हैं? तो हमने क्या पढ़ा था कि जब कोई भी तीन पॉइंट एक लाइन में आते हैं तो उसे कोलिनियर बोलते हैं, ठीक है, और वो एक लाइन भी बनाते हैं। लेकिन जब नॉन कोलिनियर पॉइंट को हम ज्वाइंट करते हैं, नॉन कोलिनियर पॉइंट मतलब के तीन अलग अलग डायरेक्शन वाले पॉइंट है, अगर उसको हम ज्वाइंट करते हैं तो वो बनता है ट्राइंगल, मतलब के सबसे छोटा वाला पॉलीगोन। लेकिन अगर हम पॉइंट एक बढ़ा दे तो एब्सोल्युटली करेक्ट। पॉइंट बढ़ाने से क्या हो जाएगा कि हमें एक शेप मिलेगा जिसके अंदर चार पॉइंट होंगे और चार वर्टाइसिस, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटर। हम हर चीज से घिरे हुए हैं क्वाड्रिलेटर के अंदर। अब क्वाड्रिलेटर होता कौन कौन सा है, उसके कितने टाइप से, बड़ी आसानी से और विस्तार पूर्वक जानेंगे कि क्या होते हैं क्वाड्रिलेटर। तो ये है क्वाड्रिलेटर के वंशज, मतलब कि इनसे ही स्टार्ट हुआ क्वाड्रिलेटर, मतलब कि जिनके अंदर चार साइड होती है, हम इस तरीके से अभी के लिए कंसिडर कर लेते हैं। अब क्वाड्रिलेटर ने शादी की, मतलब कि इमेजिनेशन के लिए हम मान लेते हैं ताकि हमें हायरार्की आराम से पता चल सके, क्योंकि हमें जाननी है प्रॉपर्टीज सारी की सारी। तो क्वाड्रिलेटर ने शादी की, उनके बच्चे का नाम है पैरेललोग्राम, है ना, बढ़िया सा नाम, पैरेललोग्राम, ठीक है। अब उनके अंदर से आने वाले जो जनरेशन है उसका नाम है स्क्वेयर, रोम्बस और रेक्टेंगल। हालांकि हम ट्रेपीजियम को भी मानते हैं, लेकिन कभी कभी के लिए जानेंगे किस तरीके से। और क्वाड्रिलेटर के दूसरे बच्चे का नाम भी एक है जिसका नाम है काइट, उड़ाने वाली जो हम काइट इस्तेमाल करते हैं वह भी है क्वाड्रिलेटर। तो हर चीज को अब हम आराम से और इजी तरीके से जानेंगे और हमें उसकी प्रॉपर्टी भी बहुत ही आसानी से याद रह जाएगी। तो क्वाड्रिलेटर के अंदर सबसे पहली चीज क्या हो जाती है कि उनकी चार साइड होगी, चार वर्टाइसिस होंगे, वर्टाइसिस मतलब के पॉइंट, और खास करके उनके डायगोनल्स क्या करेंगे, बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, अब जैसे ही पैरेललोग्राम हुआ तो पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी अब हम इधर साथों साथ लिख लेते हैं, पर ये काइट को थोड़ी कर देते हैं हम स्मॉल। चलिए, तो पैरेललोग्राम की पहली वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, चीज है कि ओपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। ओपोजिट साइड क्या हो गए, इक्वल एंड पैरेलल। उसकी दूसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है, ओपोजिट एंगल आर इक्वल। अब सिंपली क्वाड्रिलेटर में से आए तो उसके डायगोनल्स भी क्या करेंगे, बाइसेक्ट करेंगे। डायगोनल बाइसेक्ट, तीन ही प्रॉपर्टी, ओपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, ओपोजिट एंगल आर इक्वल एंड दूसरा क्या बन गया, डायगोनल बाइसेक्ट। स्क्वायर के अंदर देखें, स्क्वायर के अंदर क्या है, तो बड़े ही आसानी से हम साइड को देख लेते हैं। तो स्क्वायर की सारी साइड क्या होती है, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑल साइड आर इक्वल। दूसरी क्या है, ऑल एंगल इक्वल टू
90। तीसरी भी एक चीज होती है डायगोनल, बाइसेक्ट, ठीक है। चलिए अब रोम्बस की बारी। अब एक खास बात है कि रोम्बस और स्क्वेयर दोनों ही काका पापा के लड़के, मतलब कि बड़े पापा और उसके लड़का। रोम्बस की खास बात यह है कि अगर स्क्वेयर को एक थप्पड़ आप जोर से लगा दो तो स्क्वेयर बन जाता है रोम्बस, मतलब कि स्क्वेयर की सारी ही प्रॉपर्टी किसको लागू पड़ेगी, रोम्बस को। तो स्क्वेयर की पहली प्रॉपर्टी क्या है, सारी साइड वाली, तो वो लिख लीजिए साइड इक्वल। फिर अगर 90 मतलब इस तरीके से कुछ होता है, लेकिन जैसे थप्पड़ पड़ेगा तो ये गिर जाएगा, तब ये क्या 90 रहा, नहीं रहा ना, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। तीसरी चीज डायगोनल, बाइसेक्ट इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब कि उसके डायगोनल्स क्या करेंगे 90 पे बाइसेक करेंगे। हाँ स्क्वेयर में भी आप सही सोच रहे, स्क्वेयर में भी सेम ही तरीका होगा। अब रेक्टेंगल में भी कुछ इसी तरीके से है, क्या है पैरेललोग्राम का ही हिस्सा है, मतलब कि पैरेललोग्राम के पास जितनी शक्तियां हैं वो सारी की सारी इन सब में बांट दी जाएगी। तो रेक्टेंगल के अंदर क्या है, ऑपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे, फिर दूसरा क्या हो जाएगा, सही पकड़े एंगल सारे के सारे बन जाएंगे 90 डिग्री के। और ट्रेपीजियम को तो हाँ डायगोनल भी बाइसेक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए और ट्रेपीजियम की बात अगर करें तो ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम का बच्चा है, लेकिन अपूर्ण का बीड़ू बच्चा है, इस तरीके से पैरेललोग्राम बोलता तो है लेकिन उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल करके रखा है। किस तरीके से, तो ट्रेपीजियम की एक ही पेर, वन पेर आर, वन पेर इज पैरेलल, मतलब कि पैरेललोग्राम को अगर इच्छा हो रही है तो ट्रेपीजियम को अपना बीड़ू बच्चा मानेगा, लेकिन ट्रेपीजियम उसको पापा नहीं बोल सकता है। अब आई हमारे काइट की बारी। काइट भी दिखने में यस क्वाड्रिलेटर ही तो है, तो अब हम यहां पे अगर हम ड्रॉ करें काइट को तो उड़ी उड़ी जाए, ठीक है, कुछ इस तरीके से उड़ेगी काइट। अब काइट की खास बात क्या है कि इन दोनों इक्वल होगी और नीचे की दो साइड इक्वल होगी, तो सर ये क्यों नहीं हो रही है पैरेललोग्राम के बच्चा, तो इसके अंदर क्या है, पैरेललोग्राम क्या बोल रहा है कि मेरे सामने जो है, मेरे सामने वाली खिड़की में वो है मेरा पैरेलल और इक्वल, लेकिन काइट क्या बोल रहा है, मेरे बाजू वाला बीड़ू ही अपन सेम रहेगा, मतलब कि काइट के अंदर देखो एक ही पॉइंट के अंदर, एक ही पॉइंट से दो लाइन निकल रही है, वो दोनों दोनों बाजू बाजू वाले क्या हो रहे, सेम हो रहे। और यहां पे भी देखो एक ही पॉइंट से बाजू बाजू वाले सेम हो रहे। और पैरेललोग्राम के अंदर आप देखोगे तो यहां पे अगर हम पैरेललोग्राम बनाएंगे तो क्या हो रहा है, ये दोनों सेम रहेंगे और ये दोनों सेम रहेंगे, मतलब कि सामने वाली खिड़की वाला काम काज हो गया है ये, और ये बाजू वाले बगल वाली चीज, बगल वाले घर की बात हो रही है, ठीक है। तो यही था कुछ सिंपल सी प्रॉपर्टी, लेकिन हमने बहुत बार एक चीज सुनी हुई है, हाँ आप लिखना हो तो लिख लीजिए, बहुत बार हमने एक चीज सुनी हुई है एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। हालांकि होता क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी, क्या इसको हम प्रैक्टिकली देख सकते हैं, तो उसको हम जानेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय।